तो दोस्तों मैं हूँ आपका सौ नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हुआ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो देखते हैं। वैसे तो मेन कॉलेज जाना है लेकिन जो मैंने इंश्योरेंस करवाया था उसमें मेरे में एक प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा जो एम परिवहन ऐप है वहाँ पे मेरा अपडेट नहीं हुआ है, तो वही चीज़ चेक करने जा रहा हूँ मैं। अगर एक मैं सोचा था एक साथ जाऊँगा तो एक चीज़ से दो निशाने कर लेंगे और देखते क्या है, और बाकी जो मिलता है डेली ऑब्जर्वेशन तो वो हिसाब से हम देखेंगे। जैसे रेस लगा रहे थे वो बात अलग है भाई, बेचारी 10 लाख का माल मतलब बस आते कितने के, मैंने आपसे कभी चेक नहीं किया 10 लाख 15 या 20 देखा मैंने, ये भी चेक करूँगा ये जो ये है ये बस आते कितने के। ओ भाई मच्छर भगाने का काम कर रहे हैं, कैमरा लगा हुआ पुलिस वाला भी देख रहा है पीछे। मतलब ये है तरीके ने मेरा दोस्त मुझे फ़ोन करके ना बोले कि भाई आ जाओ आज तक ये वाले ग्रफ्त पहले यूज एंड थ्रो। मैं ये सोचा था एक टाइम पे गवर्नमेंट कहती कि पन्नी रन में करो यार, पन्नी के ग्रफ्त पहनने पर पन्नी रबड़ बात हो रही है उसी के ग्रफ्त पहनने पर क्या दिन आ गए। ये तो वो जगह जहाँ से पॉल्यूशन करवाया था, अब मैं सोच रहा था कि जब मैं आया हूँ तो यार काम करवा के चलते हैं और वहाँ से स्कूल का काम भी हो जाएगा। ऐसे हो जाता है कभी कभी, ये वाला सीन हो जाता है कभी कभी बचुआ, क्योंकि ये वाले जो ग्लव्स होते हैं ना ये फिसलते हैं। और दूसरा ये अगर इसमें स्पंज वाले वो लगाओ ना तो सही है, मेरे में लगा वो प्लास्टिक वाले, और आपको पता ही देखो जैसे कैसे मूव हो रहा बड़े प्यार से, यहाँ ला रहा एक्सप्रेशन दोनों दोनों हाथ एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, वही ऐसे नहीं करना बेटा घुसल जाएगी आगे से, तो वही चीज़ें वही चीज़ देखनी पड़ती है। पहले तो इन बसों से तो सबसे दूर है, और एक इनसे ये देखिए 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 ना इंडिकेटर ना कुछ, ये तो जाते मैंने देखे थ्री व्हीलर्स में जिनों में इंडिकेटर होते नहीं है यार, लगवाने चाहिए भाई लगवाओ यार इंडिकेटर। और इन्होंने रिफ्लेक्टर भी नहीं होते, मैंने ये चीज़ भी देखी रिफ्लेक्टर भी नहीं होते इन ओसी में, जो बहुत से आप देखते होंगे ना कि रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर कुछ, तो ये सारी चीज़ें भी मैंने इन्होंने कभी नहीं देखी कि इन्होंने रिफ्लेक्टर है। मैंने आज कुछ ज़्यादा लंबा टर्न नहीं ले लिया, मैं तो जो ऑटो वाला स्ट्रेट जा गया इसलिए लंबा टर्न लेना पड़ा। अब पता चला कि दोस्त भी भाई साहब लड़कियों की तरह सजनी है भाई, मेरे को टी शर्ट पहनी लोअर पहना घर के स्लीपर पहनी बाइक उठाई टेप बन लिए चल दिए, पता नहीं यार दोस्त यार कैसे करोगे। पर अभी बहुत ही जल्द एक गुड न्यूज आने वाली है सबके लिए गुड न्यूज आने वाली है कि अभी ब्लॉगिंग के ऊपर ही कुछ तगड़ा चीज मेरे दिमाग में है, मैं वो कुछ करने वाला हूँ, तो जब टाइम आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। शायद अगर मेरी वो बंदा वीडियो देख रहा होगा तो फिर वो पहचान क्या होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो बस यही है कि अब जल्दी ही आएगा कुछ ना कुछ, और इस बार कुछ तगड़ा प्लान है। पहले मैं अपनी बाइक के छोटे मोटे काम और इन सब चीज़ों पर ध्यान दे लूँ, फिर इसके बाद आते फिर देखते हैं। बाकी तो खैर सारे वो खुल गए, और जैसे तुम लोगों को पता है आज सैटरडे संडे का लॉकडाउन, यार बाइक रोकने सबसे बेकार होता है, सैटरडे संडे को तो हम निकलते हैं, और इस बार संडे का राइड छोड़ सकती थी मैंने, दोस्त को भी बोला था जैसे ही न्यूज़ आई ना 9 बजे के समथिंग आसपास, कुछ 9 बजे के आसपास ये न्यूज़ आई भाई, मुझे वहीं पर मेरे दोस्त का फोन आ गया भाई लॉकडाउन है, तो भाई ऐसे तो मत बोल, कह रहा भाई लॉकडाउन पड़ गया, मैंने कहा ले वो भी सैटरडे संडे क्या यार, सैटरडे संडे का लॉकडाउन, संडे के सुबह की राइड का प्लान। ओ भाई कैसे देखते, पहले मैं बात कर लेता हूँ। चलो फिर जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत सॉल्व हो गई, मतलब कहने का मतलब ये था कि जैसे वो एम परिवहन, अच्छा हाँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोग भी देख लो यार, जैसे कभी क्या होता है कि आप ऐप इंश्योरेंस करा रहे हो पॉल्यूशन करा रहे हो तो एक दिन के अंदर ना आप लोग देख लो,
मतलब कहने का मतलब है, एक दिन में आप देख लो कि अगर आपकी बाइक में एम परिवहन ऐप में अगर इंश्योरेंस पॉल्यूशन चढ़ गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक दिन के बाद हो गया, जैसे मुझे 7 दिन हो गए थे, 7 दिन इसलिए मैं तो आ जाता अगले दिन, क्योंकि मैं भाई जैसे ये हमारे इन्हीं से करता हूँ, मैं इतने काफ़ी टाइम से इन्हीं से ही करवा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपका इंश्योरेंस हराते हो और अननोन पर्सन से करें, वैसे तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें पहले के लेकर, तो ऐसी चीज़ें ना अननोन पर्सन से आप ना कराओ तो अच्छा है, उस बंदे से कराओ जो बंदा आपको मतलब जान पहचान में, उससे जान पहचान कर लो, तो वो क्या है ना आप स्टार्टिंग में एक बार जो फिर बार बार, क्योंकि आप मान के चलो आप कहीं दिल्ली जा रहे हो, कहीं अलग जगह जा रहे हो, अपने घर से दूर जा रहे हो, जैसे मेरा घर से दूर है, ठीक है, मैं चाहता तो पास से करवाता, लेकिन इसके जान पहचान वाला तो ये मतलब फोन कहता है कि फ़ोन कर दो तो मैं तब भी कर दूँ, ऐसा वो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है क्योंकि देखो पैसे के मामले में जहाँ पे किसी आदि दोस्ती रखता नहीं। दूसरी चीज़ ये है तो खैर मेरा पर्सनल ओपिनियन था, बट अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करो, एक बार दोबारा उसके पास चले जाओ, जाके बोल दो कि भाई इतना कितना टाइम, जैसे मेरे को 1 हफ्ता हो गया था तो 1 हफ्ते से मेरे उस पर चढ़ा नहीं, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें होती है बट इनका ध्यान रखना होता है कि ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख लो, बाकी ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि कोई ऐसा इतना बड़ा वो है, क्योंकि इंश्योरेंस आपने करा लिया, ऑनलाइन भी ये बोल रहा है मुझे कि अगर आप लेके भी जाते हो बाइक को अपनी कहीं भी, क्योंकि पुलिस वालों के पास जो ऐप होता है वो दूसरा ऐप होता है, अगर आपका जैसे वो लोग इंश्योरेंस के ऊपर चलान काट देते हैं और वहाँ पे आपका पता चल गया कि जैसे मान लो मेरा 4 तारीख का था, मान के चलो 4 तारीख का, और मुझे 9 तारीख को आज 4 तारीख का था आज मुझे पकड़ लिया, मेरे एम परिवहन ऐप पे नहीं आया, लेकिन वो कहते हैं जैसे पुलिस वालों के पास जो ऐप होता है ना उसमें शो कर देता है, तो वो अगर चलान काट भी देंगे, मान लो काट भी दिया आपका चलान, तो वो जो चलान होगा वो वैलिड चलान नहीं होगा, वो अपने आप ही आपका फिर रिमूव हो जाएगा अगर इंश्योरेंस के ऊपर चलान होगा तो। हाँ वो बात अलग है, हेलमेट वेलमेट या कुछ अलग चीज़ है तो उसका अलग होता है, लेकिन अगर आपका इसी के ऊपर है तो आप देख लेना, इसका ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं, वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास चलाओ, क्योंकि मुझे ऐसा होता है क्योंकि अभी मैं ये तो लॉकडाउन हो गया, आज 12 बजे से लॉकडाउन हो गया, वरना तो यार मैं चलाता लंबा लंबे का सीन था, दोस्त भी तैयार था, वो भी कह रहा था कि भाई मैं आ जाता हूँ, मैं फिर जैसी न्यूज मिली क्योंकि प्लान ये था वो आ जाता, फिर उसके वो डायरेक्ट आ जाता, फिर हम डायरेक्ट नहीं से राइड पर निकल जाते, शॉर्ट राइड करते, ज़्यादा लंबी राइड कोई का वो सीन नहीं था, शॉर्ट राइड करता है ऐसे 2-4 घंटे की राइड कहीं चलते कहीं घूम कर आते, तो वो चीज़ वो कह रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई जैसे भी आपको सही लगे वैसे कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब आप किसी के साथ जुड़ते हो पहली बार किसी के साथ हम जुड़ते हैं तो एकदम से अपना दिमाग मत चलाओ, वरना वो बंदा लगेगा कि हमें अपने तरीके से ला रहा है, ऐसा कदम मत करो, एक ट्रिप उसका रख लो, एक ट्रिप अपना रख लो, एक ट्रिप उसका रख लो, एक ट्रिप अपना रख लो, तो उससे क्या होगा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो बस मैं वही चीज़ कहता हूँ कि इन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखो, आपकी जो दोस्ती आती है तो खराब नहीं होती, और मोटर ब्लॉगिंग लाइन के अंदर तो यार खास तौर से, और मुझे उस दोस्त की एक बार बहुत अच्छी लगी, भाई मेरे को पर्स को फेसबुक पर मिला वो बंदा, और मुझे उसने एक बार बोली कि भाई देखो ऐसा कभी भी चाहे मैं आगे चले जाऊँ चाहे तुम आगे, चिड़ने वाली बात, मैंने कहा भाई देख हमारे अंदर भाई बंदी वाली बात रहती है, मैंने कहा जब किससे दोस्ती करते तो रिश्तेदारी करी तो बढ़िया तरीके से, और नहीं और अगर नहीं करते तो एक पतंग के भाई दूर दूर, भले ही वो हमें 10 करोड़ दे रहा हो, 20 करोड़ दे रहा, करोड़ों कुछ भी दे रहा, लेकिन ईमानदारी ईमानदारी होनी चाहिए। ये उस बंदे ने बोला, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो बस वही चीज़ है। उस भाई का चैनल का नाम है ऑल इंडियन राइडर गूगल, यहाँ तक मैं बोलूँगा थोड़ा सा यार तुम चैनल के नाम पर थोड़ा वो करो, क्योंकि चैनल का नाम नंबर जाता है थोड़ा सा रहता है, खैर कोई बात नहीं, बाकी भाई को अगर पसंद आ गया तो ठीक है, भाई एडवाइस देखो दोस्त से यार मैं एडवाइस दूँ, मतलब डिपेंड सामने वाले को पता वो लेता है या नहीं लेता, क्योंकि नाम मुझे थोड़ा जो लंबा ना नाम लंबा पसंद नहीं आया, या तो मैं कुछ देखता हूँ अगर कुछ उसको पसंद आता है तो कुछ बढ़िया सा बताऊँगा इसी के नाम के अकॉर्डिंग, जो उसको भी अच्छा लगे हमें भी अच्छा लगे, बाकी अब निकलते हैं, और यार आज भाई कसम से गुस्सा आ रहा है, तगड़ा वाला गुस्सा आ रहा है, अच्छा वाला गुस्सा आ रहा है, तगड़ा वाला ही गुस्सा आ रहा है, अभी इस टाइम पे तो मन कर रहा पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोचती है, बता नहीं भाई हुआ क्या, हेलमेट के अंदर मधुमक्खी घुस गई, हेलमेट के अंदर, तो चलो वापस राइड को कंटिन्यू करते, दोस्त को सबसे पहले फ़ोन करके ये चीज़ बोलूँगा कि भाई तू है कहाँ, पता नहीं यार क्या टाइम की, यार जो लोग टाइम की इज्जत नहीं करते ना उसका सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है,
मेरा मानना है टाइम इज मनी, 101% टाइम इज मनी। अब मैं कब से, मुझे 1 घंटा हो गया, और अच्छा हो गया ये काम करके भी आ गया और आप लोग के लिए ब्लॉग भी बन गया। मैंने कहा था ना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कैमरा से यार यही तो फायदा होता है, कैमरा हो भाई तो भाई भक्त इधर भी देर में कुछ काम करके आ जाता, पता नहीं। चलाओ हाँ, इस गाड़ी को क्या फर्क पड़ रहा है, ये शॉकर इस गाड़ी के लिए तो कुछ भी नहीं। मैं कुछ ज़्यादा लंबा आजकल यूटर्न लेने लग गया, क्या होगा। ए भाई ये वाला काम जल्दी ख़त्म हो गए, कॉलेज के काम ना मेरे को बस ऐसे ही लगते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म होना ये काम। अपना बंदा रिलैक्स होकर बैठे, रिलैक्स ना रिलैक्स मतलब रिलैक्स बिल्कुल बिंदास होकर बैठो यार। क्योंकि सैटरडे संडे का लॉकडाउन और थोड़ा मेल का काम हो जाता ना, तो मेल भी सही रहता है। चलो कोई बात, अबे मेल हो जाता तो तुम्हारे लिए वीडियो कहाँ से लाता, वो भी तो चीज़ देखो। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ ठीक है, जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं। अभी देखते यार, अब मैं फ़ोन करूँगा दोस्तों, अगर नहीं आएगा तो भाई मैं बोलूँगा भाई मैं एक काम करूँ मैं डालू। रात में बहुत एक्साइटेड हूँ, एक्साइटेड बहुत राइड को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अरे यार अब देखते हैं, फोन करके देखता हूँ क्या सीन है भाई का, यार इतना टाइम सुनने लगता है, इसी देर में तो मैं उसके घर पहुँच जाता।